हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग इवनिंग से स्टार्ट हो रहा है, 7:45 हो रहे हैं। इवनिंग क्या, रात ही समझ लीजिए, 7:45 हो रहा है। और आज दिन है फ्राइडे, तो फ्राइडे एंड इट्स 8th of September। तो इवनिंग से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। क्यों स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि आपको किसी से मिलवाना है जो मैं कल मिलवाऊंगी। वैसे आप उनसे पहले मिल चुके हो मेरे ब्लॉग में, मेरी फ्रेंड है शिवानी जो मेरे पहले ब्लॉग में आ चुकी है, एक बार आपसे मिलवाया भी है मैंने। तो कल वो आ रही है और स्टे के लिए आ रही है, और संडे को वो वापस जाएगी। तो अभी फ्राइडे को मैंने क्यों ब्लॉग स्टार्ट किया, क्योंकि मैं जा रही थी कुछ छोटी छोटी प्रिपरेशंस करने, प्रिपरेशन भी नहीं बोलूँगी, मतलब जैसे छोटी छोटी कुकिंग रिलेटेड प्रेप्स होती है ना, तो वो मैं अभी कर लूँगी क्योंकि मैं थोड़ा फ्री हूँ। पीके जी गए हैं मैच खेलने, आज उनका नाइट मैच है और विराज भी अपने खेल में लगा हुआ है, तो मैं बेसिकली फ्री हूँ। तो मैंने सोचा मॉर्निंग के कुछ काम अभी कर लेती हूँ, जैसे कि चटनी वगैरह बनाना। तो यस, मैं दो टाइप की चटनी बनाने वाली हूँ, टोमेटो वाली जो मैंने रेसिपी पहले शेयर की हुई है, आई गेस यस मैंने शेयर की हुई है, टमाटर की चटनी, और एक मैं हरी वाली चटनी जो धनिए की होती है। तो दोनों चटनी ही बनानी थी मुझे, तो मैंने सोचा सुबह को चटनी का काम थोड़ा कम हो जाएगा, तो मैं दोनों टाइप की चटनी अभी बना के रख दूंगी, ख़राब तो नहीं होती ऑब्वियसली। और वो आएगी कल लंच में, तो मैं वही सोच रही थी लंच में क्या अच्छा सा बनाएं। तो अभी मैंने सोचा है कि मैं कढ़ाई पनीर बनाती हूँ कल लंच में, और थोड़ी सी दाल मखनी बना लेंगे। तो दाल मखनी के लिए मुझे दाल अभी रात को भिगो के रखनी पड़ेगी, वो मैं सुबह ही बनाऊंगी, पनीर भी कल ही बनाऊंगी। तो आज की जो प्रेप्स हैं वो बस यही है कि दाल भिगो दूंगी मैं, चटनी दो टाइप की जो मुझे बनानी है वो मैं बना के अभी रख दूंगी। और यस, कल मैंने घी बनाया था, तो घी बनाने के बाद जो उसका बचता है ना, जो नीचे का पार्ट जो जला जला सा हो जाता है, उससे मैंने बहुत बार मिठाई शेयर की है कि मैं कैसे मिठाई बनाती हूँ, तो वो भी रखा हुआ है, तो मैं उसकी मिठाई भी अभी बना के रखूँगी। थोड़ा सा, ये ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ी मिठाई बनेगी। तो ये दो तीन काम है, ये मैं सोच रही हूँ अभी मैं फ्री हूँ तो अभी कर लेती हूँ, सुबह को फिर लंच वगैरह की तैयारी, वरना आई जाएगी तो वो कर देगी, एज सच कोई हडल नहीं है, ब्रेकफास्ट वगैरह भी हो जाएगा सुबह, उसके बाद बनाएंगे लंच। तो अभी मैं चटनी वगैरह बना लेती हूँ और वो मिठाई जो है वो बना लेती हूँ, और थोड़ा डिनर की भी तैयारी कर लूँगी। पीके जी तो लेट ही आएंगे आज, 11-12 बज जाएगा, बट यस विराज पहले खा लेगा, मैं उनके साथ खा लूँगी। तो यस, व्लॉग स्टार्ट करने का मकसद यही था कि आपको बता दूँ कल कौन आने वाला है, शिवानी आने वाली है, और व्लॉग में डेफिनेटली मैं दिखाई दूँगी, आपसे मिलवा भी दूँगी, और जो थोड़ी थोड़ी प्रेप्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। बहुत डिटेल में कुछ भी रेसिपी वगैरह मैं नहीं शेयर कर रही हूँ, पहले कर चुकी हूँ, बट यस ये है कि जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी भी प्रेप करती रहूँगी वो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो चलो व्लॉग में एंड तक जुड़े रहना देखने के लिए कि कैसे हम लोगों ने पूरा दिन सेलिब्रेट किया। नाइट स्टे के लिए आ रहे हैं तो बहुत सारी गॉसिप भी होगी, संडे को जाएंगे आफ्टरनून तक, तो खूब मजे आएंगे, और वो काफ़ी दिन बाद आ रही है तो उसका चक्कर, मतलब नाइट स्टे के लिए ही आती है जब भी आती है, लेकिन आती बहुत बहुत महीनों में है, तो बहुत सारी गॉसिप इकट्ठी हो जाती है हमारी। तो यस, चलो प्रेप से स्टार्ट करते हैं और फिर जैसे जैसे होगा आपके साथ शेयर करूँगी।
तो आपको मेरे चेहरे पे पसीना तो दिख रहा होगा, हालत एकदम ख़राब हो गई, मैं तब से किचन में ही लग रही हूँ। तो यहाँ पे टमाटर की चटनी भी बन रही थी, मैंने जार में डाल दी है, अभी थोड़ी सी गर्म है तो मैंने फ़ैन चला दिया, आप ऊपर देख सकते हो, तो फ़ैन से ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी, उसके बाद मैं ढक के इसको फ्रिज में रख दूँगी। बाकी जो धनिया वाली चटनी थी वो मैंने ऑलरेडी बना दी है, फ्रिज में भी रख दी है बना के, तो बहुत ज़्यादा नहीं बनाई क्योंकि फिर वो पुरानी होगी उतनी फिर अच्छी नहीं लगती। और मैंने आपको बताया था ना मैंने घी बनाया था, तो उससे जो बचा था उससे मैंने वो मिठाई भी बना दी है, वो भी मेरी ऑलमोस्ट जमी गई है जितनी देर में मैंने ये बनाई ना चटनी वगैरह, तो ये मेरी जम गई। अभी मैं इसको कट करके पीसेस में इसको भी रख दूँगी। और जब घी बना रही थी तो थोड़ा सा मक्खन भी निकाला था, विराज को पसंद है तो ये मक्खन हो जाएगा। और अभी डिनर के लिए इसमें मैंने प्याज के पराठे बना के रख दिए, और बस पीके जी अभी आए नहीं है, 11 बज गया है, पीके जी का मैच ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, तो 11:30 तक आएंगे, आ जाएंगे। विराज ने डिनर कर लिया, वो अपना टीवी देख रहा है, तो मैंने भी आज उसे थोड़ा देखने दिया टीवी, क्योंकि सैटरडे संडे उसका भी ऑफ है, तो थोड़ा लेट ही सोएगा, देर से उठ जाएगा, कोई बात नहीं। तो मुझे बात करते हुए विराज ने सुन लिया था, तो बोला एकदम से मम्मी मुझे भी बाय बाय करनी है, ये देखो ये बाय करने आया है, स्पेशली बाय करनी विराज, और कुछ नहीं बोलना। अच्छा सबको ट्विंकल ट्विंकल सुना दो, लिटिल स्टार, हाँ हाँ अब अबव द वर्ल्ड, ये क्लैपिंग क्लैपिंग तो करो, क्लैपिंग बाय सी यू कातो। तो मैंने यहाँ पे उड़द की दाल भिगो दी है, उसमें थोड़ा सा राजमा भी डाल दिया, तो अभी भिगो दूंगी, सुबह तक अच्छे से फूल जाएगी, तो सुबह इसको बॉईल करेंगे और कल ही हम इसको बनाएंगे। और इधर मैंने उड़द की दाल भिगो दी है, इसको भी हम सुबह पीसेंगे और इससे हम बनाएंगे पकौड़े। अब वो कब बनती हैं वो देखा जाएगा, तो फिलहाल मैंने दोनों चीज़ें भिगो के रख दी हैं ताकि सुबह को काम आसान हो जाए। गुड मॉर्निंग, सो अब नेक्स्ट डे मिल रहे हैं आपसे, और अभी कोई नहाया धोया नहीं है, ये तो अभी उठा है बस, और 11 बज रहे हैं, इतनी देर से उठा है क्योंकि सोने में बहुत लेट हो गया था, तो बस अभी नहाना धोना करेंगे और लंच की कुछ कोई प्रिपरेशन चल रही है। ब्रेकफास्ट में आज हमने ऐसा सच कुछ नहीं बनाया, मैगी खा ली, और लंच की तैयारी चल रही है, थोड़ा सा तैयारी करके उसके बाद मैं नहाऊंगी क्योंकि फिर पसीना पसीना हो जाएगा। तो दाल मैंने भिगोई थी रात, वो बॉयल हो गई है, सब छोंक का सामान कट गया है, वरना ने सब काट दिया, तो मैं भी सब छोंकने के लिए जा रही हूँ, पनीर एंड दाल मखनी है ना। तो मैं हो गई हूँ रेडी, रेडी एज इन मुझे कहीं जाना तो नहीं है, बट यस नहाना धोना हो गया, विराज भी रेडी हो गया, और ऐसा सच कोई तैयार श्यार नहीं हुई हूँ, तैयार तो शिवानी होके आएगी, मतलब मेरी फ्रेंड वो आएगी तैयार होके, आफ्टर ऑल वो गेस्ट है, मैं होस्ट हूँ, तो यस मजाक कर रही थी। रेडी हो गई हूँ, नहाना धोना हो गया है, और दाल मखनी मैंने बना दी है, पनीर अभी नहीं बनाया है क्योंकि पनीर अभी आया नहीं है, पीके जी गए हुए कुछ कुछ सामान लेने, कुछ कुछ चीज़ें लानी थी, तो पनीर भी वही लेकर के आएंगे, और बस पनीर बचा है, और शिवानी ऑन द वे है, वो लोग आ जाएंगे आई गेस अभी हो रहा है 12:40, 1:30 तक आ जाएंगे वो लोग, और उसके बाद हम लोग साथ में लंच करेंगे। तो पनीर की सब्जी बना लेती हूँ, पूड़ी बनेगी, नान नहीं बना रहे, पूड़ी बनेगी, पूड़ी का आटा भी बंदा लगा देगी, राइस तभी बन जाएंगे, सैलेड कट करवा लूँगी, और यस थोड़ा सा रायता, तो चलो।
तो वो लोग आ चुके हैं, बस नीचे गाड़ी खड़ी कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने सब बेडशीट वगैरह चेंज करा दी। कैमरे में आई डोंट नो उसका कलर ऐसा क्यों दिख रहा है, लाइट पिंक कलर की है। तो बस यहाँ पे बेडशीट वगैरह चेंज हो गई दोनों रूम्स की, और यहाँ पे बस पीके जी की कॉल चल रही थी, मैं भी ठीक कर दूंगी। तो रूम ऑल सेट, खाना भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया, पनीर भी बन गया है, और बस अब वो लोग आ गए हैं। गॉसिप करते हैं और मिलवाती हूँ आपसे। तो देखो कौन आया। हेलो, ये मिस शिवानी पहले भी आ चुकी पहले भी आ चुकी है। तो अभी आइए, टाइम हो रहा है 2:45 बज गए, अब हम लंच करेंगे। और बहुत दिन बाद आई है मैडम हमारे व्लॉग में, बहुत सारे लोग देखते हैं, तुम जल्दी जल्दी आया करो। हाँ। रीजन भी है ना, बहुत दिन बाद आई। तो आज हमारा मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, तो शाम को ज्यादा मजा आएगा। और बताओ। बस बढ़िया, तुम बताओ क्या करा तुम्हारा दिवाली, कैसी लगी दिवाली में? सॉरी, शॉपिंग न्यूज न्यूज तो बहुत तकड़ी दी है इसने, बताऊंगी मैं थोड़ी देर में। बहुत अच्छी न्यूज दी है एनीवेज। लेकिन ये बताओ पहले, तुम्हारी जन्माष्टमी और ये सब कैसे गए? बहुत ही सही पिक्स लगाए थे ना मैंने, देखे होंगे आई होप तुमने। बाकी तो वैसे सारा टाइम तो खाने बनाने में ही निकल गया। वो तो सबके साथ है, त्योहार का टाइम है, तीज, जन्माष्टमी, ये सब। तो आज यहाँ महोत्सव होगा क्योंकि बहुत सारी खबरें मिली हैं हमें। और यहाँ पे ये देखो, हैश्विक, हैश्विक से हाय, यहाँ पर से हाय, हैश्विक से हाय, हाय, इधर इधर इधर, फोन में, फोन में देख के, मासी को देख के, यहाँ पे देखो पहले से हाय, हाय, हाउ आर यू। तो ये भी गेम में बिजी हो रहा है, और ये दोनों की लड़ाई हो गई, तो ये इधर खड़ा है, अभी थोड़ी देर बाद दोनों मजे करेंगे। लाइट, लाइट तो जल रही है बेटा। अच्छा कौन सी लाइट? नहीं वो नहीं जलती ना लाइट। अरे इसके लिए लाइट जलाओ, केक कटिंग करेगा। ये लाइट जलाओ। ऐसे कैसे कटिंग? स्पून से, स्पून से, स्पून से।
ये आप दोनों की नहीं भाई हाँ? हम ये हम तीन की ना ना भाई आपको पता है मैं नहीं खाऊंगी क्यों क्या हो गया नहीं खा रहा अरे आ जाओ एक चम्मच मैं लाइए ऐसे कैसे नहीं खाई हैप्पी बर्थडे टू यू मना के खा रहे हैप्पी बर्थडे भाई तू मैं पीपी पीपी पीपो पीपो तो भाई अब हम मिल रहे हैं नेक्स्ट डे और ये मैडम जा रही है मुझे छोड़ के और ये अब मुझे मिलेगी 2035 और जो सरप्राइज की हम बात कर रहे थे ना वो भी सरप्राइज ही रहेगा अभी थोड़े टाइम के लिए अब इन्होंने डिसाइड किया है थोड़े टाइम बाद बताएंगे तो ये हमें कुछ सरप्राइज देने वाली है वो देखो पीछे से कह रहे हैं सरप्राइज है हम जा रहे हैं फॉरन घूमने वो सरप्राइज है सॉरी मैं बता नहीं सकती इसने कसम वसम दे दी वरना मैं ज़रूर बताती और अब हो रहा है नेक्स्ट डे का 11:30 और ये जा रही है वापस 24 घंटे भी नहीं रुकी 1:30-2 बजे आई थी हाँ याद रखूँगी मैं तो फिर मिलेंगे ना कब दिसंबर से पहले 2025 ना नहीं दिसंबर से पहले अब ये कह रही है दिसंबर में आएगी दोबारा तो देखते हैं तो खैर मज़ा आया बहुत विराज तो भी बड़ा सो ही रहा है 11:30 हो गया अभी तक सो रहा है और ये लड़का 8 बजे से उठा हुआ है ना भाई है ना अच्छा बाय कर दो बाय बाय कब आओगे बोलो दिसंबर में दिसंबर में दिसंबर में तो अब शिवानी तुम पब्लिकली वादा करके जा रही हो दिसंबर हाँ पक्का डन डन अगर नहीं आए तो समझ लेना बिल्कुल पक्का समझ लेना तो चलो इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में हमारे राइट पे आपके फिर मिलेंगे चलते चलते बाय फोटो यहाँ पे डाल देती हूँ